हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलिमिटेड एजुकेशन पे। आप सभी को पता है ना कि स्टेशन मास्टर के बारे में मैं अच्छे से बताता हूँ, हर एक चीज़, हर एक डिटेल्स है ना। और आपका नौ को एग्ज़ाम है स्टेशन मास्टर पोस्ट का, आपका रिटर्न होगा और उसके बाद आपका साइको होगा, और साइको के लिए वापस से आपको अनलिमिटेड एजुकेशन पे आना है अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको कुछ ऐसा बात बताऊंगा ना, अपना पुराना एक्सपीरियंस समझो या टीचिंग एक्सपीरियंस समझो, क्योंकि एग्ज़ाम तो मैंने भी दिया था 2015 का, जब एनटीपीसी आया था उस टाइम पे, और सिलेक्शन भी हुआ था मेरा रिटर्न में, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका ये रिटर्न होगा, इसमें कुछ बात है, कुछ इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। समझ में आ रहा ना कहना क्या चाह रहे हैं, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अब आप लोग CVT 1 दे चुके होंगे तो आपको पता होगा, जब आंसर की आता है और आप मिलाते हो तो बोलते हो ना, अरे यार ये माइनर मिस्टेक हो गया, अरे मैंने तो सी लगाया था, पता नहीं डी पे कैसे क्लिक हो गया, मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था लेकिन आंसर नहीं किया, मेरा मार्क फॉर रिव्यू सेव नहीं दिया, इस टाइप का प्रॉब्लम। और आपको अगर CVT 1 में आप पास किए होगे और CVT 2 में आए हो, डेफिनेटली पास किए होगे, लेकिन बाउंड्री पे आपका नंबर आया होगा, कट ऑफ के एकदम से पास में आए होगे, तो याद रखना कट ऑफ के पास में आने से कभी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये हकीकत है, सच्चा है मगर कड़वा है। जो इंसान कट ऑफ के पास आके खुश है वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, आपको स्कोर लाना है। तो चलो CVT 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन CVT 2 में आपको स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, कट ऑफ से 10-15 नंबर का मार्जिन रखना है। तो इसी के रिगार्डिंग ये आपका लेक्चर है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान देना, दो चार बात आपको ध्यान देना है। सबसे पहला, मार्क फॉर रिव्यू जो करते हो ना, तो मार्क फॉर रिव्यू सभी क्वेश्चन को मत करना। 90 मिनट में आपका जो है सो 90 मिनट का समय है, 120 क्वेश्चन है, तो टाइम तो आपका ऐसे ही नहीं बचेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये लगता है कि उस टाइम रीजनिंग का जब बना रहे हो तो अभी टाइम लग रहा है, लास्ट में इसको देखेंगे, है ना। मैथ का कोई सिंपल सा क्वेश्चन, अभी टाइम लग रहा है, लास्ट में इसको देखेंगे, तो वो सब क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करना, क्लियर है। मार्क फॉर रिव्यू 5-7 क्वेश्चन होता है, जो लास्ट में जब आपके पास 1 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट, 2.5 मिनट बचेगा ना, तो यही 4-5 क्वेश्चन जो आपका मार्क फॉर रिव्यू रहेगा उसी को आपको देखना है, है ना। जो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्या पता 1-2 बन जाए तो कुछ सही हो जाएगा। तो एक आपको ये कि मार्क फॉर रिव्यू बहुत सारा क्वेश्चन हो, ये नहीं कि 25 क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दिए जिसमें 2 क्वेश्चन था जो आपसे बन जाता लास्ट मोमेंट में, आपको याद आ गया उसका आंसर, लेकिन अब समय है 30 सेकेंड और आप 25 क्वेश्चन जो आपका मार्क फॉर रिव्यू उसमें खोज रहे हो, यार वो क्वेश्चन कहाँ गया, तो नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए मार्क फॉर रिव्यू सभी क्वेश्चन में मत करना, वही 4-5 क्वेश्चन में करना जो लग रहा है कि लास्ट में आप बना लोगे। पहली बात, GK, GS, करेंट अफेयर्स, ये जो आपका सेक्शन है ना, इस सेक्शन में फर्स्ट टाइम पे जब क्वेश्चन देखोगे और अगर आपको आता है तो बनाना, अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ देना, क्योंकि उसको अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे ना जो लास्ट में बनाएंगे, तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि लास्ट में आप बनाओगे। आपको तो आता था नहीं, आता रहता तो पहली बार बनाते ना, आपको आता नहीं था, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू रखे कि लास्ट में बनाएंगे, और लास्ट में जब आप देखोगे ना तो फालतू का लॉजिक लगाओगे कि ए नहीं हो सकता है, बी सी में कन्फ्यूजन है, सी मार देते हैं। याद रखना बॉस, ये रेलवे है, SSC नहीं, SSC में ना 1/4 निगेटिव है, 25%, रेलवे में 33% निगेटिव है, आपका 1/3 बहुत ही खतरनाक। और 4 ऑप्शन होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि आपका 75% चांस है कि गलत होगा, 25% चांस है कि सही होगा। और पता ही आप सब कितना लकी हो इस मामले में कि 10 तुक्का मारोगे तो कितना सही होगा, आपको पता ही है। तो करंट अफेयर्स GK GS का क्वेश्चन अगर आपको पहली बार अच्छा से ना बने, समझ में ना आए, तो छोड़ देना।
उसको सेकंड अटेम्प्ट मत लेना। हाँ, साइंस में अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, भी बराबर आई आर इस टाइप का, तो फिर बना सकते हो। आपको लास्ट में अगर मार्क फॉर रिव्यू पे एनालिसिस करना हो तो आप मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो। कभी कभी होता है ऑप्शन से आ जाता है, ऑप्शन के यूनिट से आ जाता है, या लेफ्ट राइट करके आ सकता है, तो ये आपको समझ में आए। अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है, ध्यान से सुनो, अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है जीके में, जीएस में और करंट अफेयर्स में, तो मार्क फॉर रिव्यू आंसर के साथ करना, मतलब कि क्लिक कर देना, टिक मार देना उसमें, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, समझते हो ना। इसका मतलब होता है कि लास्ट में आप इसको चेक करना चाहते हो, लेकिन अगर टाइम ख़त्म हो गया तो आपका ऑटोमेटिकली जो आंसर आप टिक किए हो वो ले लेगा सेव। तो इसीलिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने 10 मार्क्स फॉर रिव्यू किया था लेकिन मेरा नहीं हुआ, सेव नहीं लिया। नहीं, मार्क्स फॉर रिव्यू सेव नहीं लेगा, मार्क्स फॉर रिव्यू एंड आंसर अगर किए रहोगे तो वो सेव ले लेगा। तो आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। आप क्या करना, जीके जीएस करंट अफेयर्स में अगर आपको मार्क्स फॉर रिव्यू करने का मन करे तो आप आंसर के साथ करना, मतलब टिक मार देना कि अगर लास्ट में समय नहीं मिलेगा तो ये मेरा सेव ले लेगा, ठीक है। ओके, चलो, टिक करते समय ये सबसे बड़ा बात बता रहा हूँ, याद रखना, एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो एक नंबर तो आपका जाता है, उसके साथ साथ आपका 0.33 भी जाता है सही वाला घट के, है ना। सही में जितना नंबर आप लाए थे उसमें से भी बेचारा 0.33 आपको घटा देगा, तो एक नंबर वैसे गया और 0.33 और 1.33 आप पीछे हो जाओगे, और एक नंबर पे ना हजारों हजार, हजार क्या, 10,000 रैंक आगे पीछे होता है, और सेलेक्शन जो होता है ना आपका मिस, वो 0.001 से, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जिसका 0.03 से जॉब छूट गया। तो सोचो 0.03 कितना होता है और 1 मार्क्स कितना होता है, 1.33 मार्क्स कितना होता है, एक तो आपका गलत होने से गया और ऊपर से 0.33 माइनस का गया, तो 1.33। तो इस गोल्डन लाइन को याद रखना कि जब आप आंसर टिक करते हो तो आंसर टिक करते समय लास्ट लाइन क्वेश्चन का देख लेना कि क्या पूछा जा रहा है। करंट पूछा जा रहा है, वोल्टेज आया, वोल्टेज भी ऑप्शन में रहेगा, वोल्टेज का डाटा ऑप्शन में रहेगा और वहाँ पे वोल्ट कर देगा या एम्पियर कर देगा, मतलब करंट अगर पूछा और मान लो वोल्टेज आया 250 वोल्ट, तो ऑप्शन में रहेगा 250 एम्पियर, आपका आया 250 वोल्ट, आप 250 देखोगे आंसर करके निकल जाओगे, घर पे आओगे क्या बोलोगे, अरे यार 250 वोल्ट मेरा आया था वोल्टेज, यहाँ तो करंट पूछा था। ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, इसीलिए लास्ट लाइन कितना लगेगा, 2 सेकंड आंसर करते समय लास्ट लाइन देख लेना। ट्रस्ट करो, ये चीज़ अगर करोगे ना तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप मिस्टेक करने से बचोगे। ये समझ में आया। और इसी का अल्टरनेटिव आप ये समझो कि जब आंसर आपका सी आया या डी आया या बी आया, तो मारते समय थोड़ा देख लो कि सी आया तो सी पे क्लिक कर रहे कि नहीं, क्योंकि ए बी सी डी एक साथ होता है, ऊपर नीचे हल्का का गैप, तो कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक आप क्लिक करोगे सी और माउस का कर्सर हल्का सा नीचे होगा तो वो क्लिक हो जाएगा डी। जब आप घर पे आओगे आप पूरा फुल कॉन्फिडेंट हो कि आपने सी किया लेकिन आपके आंसर की में दिखा रहा है डी, अब आप माथा का पार पीटोगे, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। ओके, कल आपका एग्ज़ाम है तो रात में आप 8 घंटा अच्छे से सोना, जितना पढ़ाई करना था आपका हो चुका, एक दिन में पढ़ाई नहीं होता है, कंपटीशन है ना, एक जितना आपको करना था आपने कर लिया, अब आप एक अच्छे से प्रॉपर नींद लो, अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, फुल कंसंट्रेट होके बनाओ। लास्ट में समराइज कर देता हूँ, जीके जीएस करेंट अफेयर्स मार्क फॉर रिव्यू विथ आंसर करना, मार्क फॉर रिव्यू ज़्यादा क्वेश्चन को मत करना, 5-7 क्वेश्चन को रखना, और मैथ रीजनिंग के लिए कोशिश करना, आंसर करते समय लास्ट लाइन कम से कम देख लेना,
और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका स्टेशन मास्टर का रिटर्न है, और स्टेशन मास्टर पोस्ट तभी मिलेगा जब साइको पास करोगे। कितना भी अच्छा मार्क्स क्यों ना ले आओ, तो साइको का प्रिपरेशन आपको करना है। और पूरे इंडिया में अनलिमिटेड एजुकेशन साइको टेस्ट का ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाने के मामले में नंबर वन प्लेटफॉर्म है। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में अभी से एक्टिव रहो, क्या पता कल आपको ये लेक्चर ना मिले, खोज नहीं पाओ कहाँ से पढ़ना है। तो अगर आप देख रहे हो तो मैं बता दे रहा हूँ, स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट का सबसे बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ NTPC साइको टेस्ट का। 2700 प्लस स्टूडेंट वहाँ पे हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो जाना। फिर 10 तारीख के बाद से उसका स्ट्रेटजी प्रिपेरेशन वगैरह जो देखना होगा देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने जो कहना चाहा है उसको आप लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर फॉलो करोगे, आप लोग अच्छे से जाओ एग्ज़ाम दो, फुल कंसंट्रेट हो करके। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।